मेरा नाम है देवाशी जी, मैं सोना ने। तू हर रोज डायनो शेक लेती है? यस। कौन सा फ्लेवर पसंद है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हर स्कूल जाने से पहले क्या लेती है तू? डायनो शेक। डायनो शेक। फिर टिफिन में क्या लेके जाती है? ड्राई फ्रूट। दो रिसेस रहती है ना, पहले रिसेस में क्या खाती है, ड्राई फ्रूट। सेकेंड रिसेस में सब्जी और रोटी। सब्जी। हर रोज में मेरे बच्ची को सब्जी और रोटी देती है, इसलिए तू कैसी है? स्ट्रॉन्ग और हैप्पी। यस, तो हम हमारे बच्चे को ये डायनो शेक देते हैं, है ना, इसलिए हेल्दी और हैप्पी है हमारी सब फैमिली। हम न्यूट्रिशन लेते हैं, बच्चों का डायनो शेक देते हैं, उसका सही पोषण के लिए हम केयर करते हैं, सभी नहीं भी करना है। मेरे दो बच्चे हैं मैम, मैं वाशिम से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम जयश्री पातुड़े है। मुझे दो बच्चे हैं, एक 6 ईयर का है और एक 2 ईयर का हो गया है अब। तो उसके हेल्थ के बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ कि आगे जाके वो हेल्दी रहे और स्ट्रांग रहे। बड़ा बेटा जो है वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण उसको बार बार सर्दी खांसी होती थी। हमें बार बार एक हफ्ते में तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता था, क्योंकि उसके धूल मिट्टी या क्लाइमेट चेंज होने के कारण सर्दी खांसी बहुत जल्दी होती थी हमारे। आणि हा तर खूपच डेंजर है, कारण जब मैं आफ्टर डिलीवर होने के बाद उसको तो हमने 3 महीने से स्टार्ट किया, क्योंकि इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया था। जो बड़ा बेटा है उसको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया था, क्योंकि उसकी 1-2 हफ्ते में ही वो खाने पीने में ध्यान दे रहा था। ऐसा बोल रहा था कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पीता नहीं था दूध। हम उसको देते थे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा डाल के, लेकिन वो वोमिटिंग करता था तो वो नहीं पीता था ज़्यादा। खाना भी ऐसा ही मुझे उसके पीछे पीछे थाली लेकर घूमना पड़ता था, लेकिन बहुत अब उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसकी। हम 2 साल हो गए ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं गए। थोड़ा बहुत तो फीवर क्लाइमेट चेंज होने के कारण आता है, थोड़ा सर्दी खांसी, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो जाती है। ऐसा उनका हेल्थ रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा है। जो छोटा बच्चा है उसको भी मैं हमारे कम्युनिटी में ऐसे बताते हैं कि हम 2 साल के बाद हम डायनो शेक देते हैं, लेकिन मैंने तो उसको 3 महीने से ही चालू किया, तो बहुत ही अमेजिंग है। इसलिए हम उनको डायनो शेक बॉय बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही वो एक्टिव है। मी पण डायनो शेक घेते, तो डायनो शेक ची टेस्ट माहिती खूप छान लागते, मला खूप आवडतं डायनो शेक। किती वय आहे तुझा, एज काय आहे? 12। अच्छा, मम्मीला विचारते मला। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आप 12 इयर्स के हैं और डायनो शेक लेते हैं, कितने दिन से ले रहे हैं आप? 1 साल से ले रहे हैं मैडम, और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट मतलब क्या है, होता है मतलब मैडम मेरे ऊपर फैट बहुत थे और मेरा वेट भी बहुत था, और जब से मैं डायनो शेक ले रही हूँ तब से फैट सब गिर गए मैडम, और जब से एक्सरसाइज लेते हैं सब तो बहुत अच्छा लगता है मैडम। ओके, एनर्जी आती है। ओके, फिर आप क्या खाना छोड़ते हो डायनो शेक चालू किए तो वजन कम करने के लिए? नहीं नहीं, तो खाना बिना खाना छोड़े डायनो शेक से आपका वेट लॉस हो गया? नहीं नहीं मैडम, खाना खा के हो गया। अच्छा, खाना खा के, राइट खाना खा के, राइट प्रोग्राम लेने के बाद हुआ, राइट? यस। गुड, वेरी गुड। तो अब कितने दिन तक लोगे आप? ऐसे ही मैडम। कंटिन्यू करोगे मम्मी की तरह? यस यस। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। अभी पढ़ाई में कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। पहले कैसे लगता था, पहला कॉन्सेंट्रेशन होता था आपका? नहीं मैडम। नहीं ना, हाँ अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा रहेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो शावर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने मई से चालू किया था डायनो शेक। पीते आपके बच्चे सर? डायग्नोसिस ले रहा है, उसका फीडबैक अच्छा है। फीडबैक ऐसा है कि वो कॉन्फिडेंटली प्लेइंग चालू है, उसका फुटबॉल प्लेयर है, एथलेटिक्स है, और हाइट बढ़ गई है। अच्छा, हाइट बढ़ गई? यस, हाइट वो एथलेटिक्स है और ये भी चालू है, तो ये पुशअप करने के वजह से उसे अच्छा परफॉर्मेंस भी आ रहा है उसमें, और हाइट बढ़ गई है, ये ऑब्जर्वेशन में आ गया। वाओ। मेरा नाम मनीष त्रिवेदी, मैं कलम वाली रोड पाली से। इस गुड कम्युनिटी को मैंने 5 महीने पहले से ज्वाइन किया।
पांच महीने में मैंने 26 किलो वेट लॉस और 11 इंची फैट लॉस किया है। इस फूड कम्युनिटी ज्वाइन करने से मैं और मेरी मिसेज ने 5 किलो वजन कम किया और मेरी छोटी बच्ची है डायनो सेग्लेटी है, मेरी बड़ी बच्ची है सेग्लेटी है, हम लोग एकदम हेल्थी लाइफ जी रहे हैं मैडम और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।